दोस्तों, यदि आप विंडोज़ 10 के लवर हैं तो आप अपडेट कर लीजिए अपने विंडोज़ 10 को, क्योंकि विंडोज़ 1903 वाले वर्ज़न पे कुछ नए चेंजेस किए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। लगातार बारी बारी से हम बदलाव क्या क्या हुआ है ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहले टास्क बार में आप नज़र डालेंगे तो सर्च बार का आइकॉन अलग दे दिया गया है और कॉर्टेना का आइकॉन अलग दे दिया गया है। और राइट साइड देखेंगे टास्क बार में तो वाईफाई का जो चित्र बन आइकॉन बना रहता था वो अब वेब की तरह दे दिया गया, यानी कि अर्थ का डिज़ाइन दे दिया गया, जिसको आप बाद में कनेक्ट करेंगे तो नॉर्मली वाईफाई का ऑटोमेटिक आइकॉन दिखाई दे जाएगा कि आप कनेक्टेड हैं, कुछ इस तरह से। और सेटिंग के अंदर चलते हैं। सेटिंग के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप सेटिंग के अंदर सिस्टम पे जाएंगे तो इसमें आपको कुछ इस तरह का आइकॉन दिखाई दे जाएगा जो कि टैबलेट मोड और मल्टीटास्किंग, ये नए फीचर हैं। और गेमिंग का नया फीचर ऐड किया गया है जिसमें कि आप एक्सबॉक्स नेटवर्किंग को भी कनेक्ट करके कर सकते हैं। और इस पे कोई नया चेंज बदलाव नहीं दिया गया है। हाँ, ये सर्च बार का यहाँ भी आइकॉन दे दिया गया है जहाँ पे आप लिमिट या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कौन सी फाइल को सर्च करके दिखाए। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, स्ट्रिक्ट यानी कि फिल्टर ऑफ द एडल्ट टेक्स्ट इमेज एंड वीडियो फ्रॉम माई वेब रिजल्ट। यदि आप सिक्योर करना चाहते हैं, अपने कोई बच्चा आपके घर में चला रहा है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी एडल्ट से रिलेटेड पिक्चर या थॉट यहाँ पे शो ना हो। और मॉडरेट करेंगे तो आप जो जिस तरह का रिजल्ट आता है वो दिखाई देगा, ऑफ कर देंगे तो कॉन्टेंट शो नहीं होगा। ऑफ कर देंगे तो डोंट फिल्टर एडल्ट कॉन्टेंट, यानी कि इसमें सभी कुछ शो होगा। तो मॉडरेट कर देते हैं, जो चाहिए वो दिखाई दे। और यहाँ पे क्लाउड कंटेंट सर्च, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को यूज़ करते हैं तो सर्च बार के आइकॉन पे सर्च करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लिंक रहेगा, वहाँ के भी डॉक्यूमेंट फाइल दिखाई दे जाएगी और लोकल डिस्क की जो तो है वो दिखाई देगी। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं, सब सेम ही सेम है, बस चलाने का एक्सपीरियंस थोड़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि स्मूथली चलने लग जाता है और नए डिवाइस में भी कंफर्टेबल है। तो बस यही था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।